हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल मीत सर मैथ्स। उम्मीद करता हूँ तुसी सारे ठीक होंगे, तुहाडी स्टडी वधिया चल रही होएगी। मैं गल कर रहा 8th क्लास दे स्टूडेंट्स दी, जिन्हों दी मैथ दी जिहड़ी न्यू बुक है उसका असी सोल्यूशन स्टार्ट किया सी, जिहदे विचों असी 3rd चैप्टर ते पहुँच चुके हैं। 3rd चैप्टर दी अज करांगे एक्सरसाइज 3.2 नूं सोल्व। 3.1 तक जिहड़ियां वीडियोज़ ने वो तुसी चैनल ते जाके देख सकदे हो, बट अगे जाने तो पहला चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करके बैल आइकन नूं प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ते टैप कर दिओ, तां कि साडियां सारियां लेटेस्ट वीडियोज़ दे नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सकन। हाँ जी, इस एक्सरसाइज नूं स्टार्ट करन तो पहला आपां कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेंदे आ, वख वख तरह के जिहड़े पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज हुंदे आ उहनां दीआं। हाँ जी, आ पैरेललोग्राम जिन्हों असी सिंपल समांतर चतुर्भुज कहने आ, इहदे विच आमो सामणियां भुजावां ओपोजिट साइड्स इक्वल हुंदियां ने ते पैरेलल हुंदियां ने, समांतर भी हुंदियां ने, एवें इह इहदे समांतर हुंदी आ ते बराबर हुंदी आ, यानी पैरेलल ते इक्वल हुंदियां ने। हुण जिहड़ा रोम्बस आ जिन्हों असी सम चतुर्भुज कहने आ, सम चतुर्भुज दे विच सारियां साइड्स इक्वल हुंदियां ने ते बाकी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम वालियां हुंदियां ही ने, यानी कि आह इहदे समांतर हुंदी है ते आह वाली इहदे समांतर हुंदी है, ते हरेक रोम्बस नूं असीं एक समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम कह सकते हैं हरेक सम चतुर्भुज नूं। अगे रैक्टेंगल यानी कि आयत की गल करिए, आयत का हरेक कोण 90 का, तो इहदियां आमो सामणियां भुजावां ने जिहड़ियां ओह बराबर हुंदियां ने ते समांतर तां आमो सामणियां हुंदियां ही ने। सो रैक्टेंगल यानी आयत भी एक समांतर चतुर्भुज हुंदी है, हरेक आयत एक समांतर चतुर्भुज हुंदी है, हरेक समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज यानी कि हरेक रोम्बस भी पैरेललोग्राम हुंदा है। अगे आ जाइए स्केयर यानी कि वर्ग ते, हाँ जी, इहदा हरेक एंगल 90, रैक्टेंगल का भी हरेक एंगल 90 सी, हरेक एंगल 90 का सारियां साइड्स इक्वल हुंदियां ने वर्ग दियां, ते हरेक वर्ग है जिहड़ा ओह एक आयत भी हुंदा है, हरेक वर्ग एक सम चतुर्भुज भी हुंदा, हरेक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी हुंदा है। सो इस सारियां जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ ने तुहानूं पता होनियां चाहीदियां ने। जे डायगनल्स यानी कि विकर्णां की गल करिए, डायगनल्स तां आयत है जिहड़ी इहदे विकर्ण बराबर हुंदे आ, इहदे विकर्ण बराबर हुंदे आ, इहदे भी विकर्ण बराबर हुंदे आ, यानी कि डायगनल्स इक्वल। सेम इहदे विच भी डायगनल्स आर इक्वल, बट इहदे विच डायगनल्स इक्वल नहीं हुंदे, विकर्ण बराबर नहीं हुंदे। ना ही इहदे विच बराबर हुंदे, एक वड्डा हुंदा एक छोटा हुंदा। ते जिहड़ा वर्ग आ ते रोम्बस आ, इहनां दे विकर्ण एक दूजे नूं लंब सम विभाजित करदे आ, यानी कि स्क्वेयर ते रोम्बस दे जिहड़े डायगनल्स आ एक दूसरे नूं 90 डिग्री ते बाइसेक्ट करदे आ, 90 डिग्री ते कटदे आ विकर्ण, किहदे किहदे च, वर्ग ते सम चतुर्भुज दे विच। हाँ जी, हुण आ जांदे आ प्रॉपर्टीज़ तों बाद आपां एक्सरसाइज़ ते। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल, उस चतुर्भुज की पछाण करो या उसका नाम दसो। ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे कोण कीच बराबर हुंदे आ, देखो वर्ग च ते आयत च, स्केयर ते रैक्टेंगल च। हुण अगे दूजा दे दें, ओपोजिट साइड्स आर इक्वल, सिर्फ आमो सामणियां भुजावां बराबर होण। सो पहली जिहड़ी कंडीशन सी उह तों आपां इन्हां दोनों ते पहुँचे, हुण जिहड़ी दूजी कंडीशन आ उहदे अकॉर्डिंग सिर्फ उहने आमो सामणियां भुजावां बराबर किया ओपोजिट साइड्स, तां इहदा मतलब इहदा आंसर रैक्टेंगल बणूगा। सो इहदा आंसर आ जाएगा रैक्टेंगल यानी कि आयत। दूजे ते आने आ, आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज की पछाण करनी है। ऑल साइड्स आर इक्वल, सारिया भुजावं बराबर ने, देखो सम सारिया भुजावं कि बराबर होंदिया ने। सो आपां या यह हो सकता आंसर या यह हो सकता। हुण दूजी कंडीशन देखते हैं, हरेक कोण 90 डिग्री का, एवरी एंगल ईच एंगल 90 डिग्री, हरेक कोण 90 का की चा वर्ग च, सो यदा आंसर स्क्वेयर यानी कि वर्ग होएगा।
थर्ड ते आ जाने आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगनल बायसैक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मैं दस्या कि जोड़े विकरण 90 डिग्री के कोण से कटते हैं। सो या तो यह आंसर आ हो सकता या आह रोमबस या स्केयर। अगे देखते हैं दूजी कंडीशन, डायगनल्स आर इक्वल इन लेंथ ते विकर्ण बराबर भी होंगे। इन्हों चो विकर्ण बराबर कि मैं लिखा से आ लिखा हुआ कि वर्ग दे। सो दोनों कंडीशन कौन सैटिस्फाई करता पाया, वर्ग। सो यद आंसर आ जाएगा वर्ग यानी कि स्क्वेयर। अगे आ जाने चौथे क्वेश्चन ते, फिगर दिती हुई है रेस ये एक्स वाई ते जैड लभने। हाँ जी, हुण यह एक रैक्टेंगल है यानी कि आयत है। आयत दियां प्रोपर्टीज़ यूज करनियां ने रैक्टेंगल दियां प्रोपर्टीज़, उहदे गुण एक तो ओपोजिट साइड्स इक्वल हुंदियां ने। सो आहा इहदे बराबर हो जूगा, इधर करते हैं सॉल्व, 4x-3 बराबर आ जाएगा 9 दे, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, 4x-9+3, 4x-12, x-12/4, कटिंग करके 3, एक्स आ गया 3 इहदा आंसर। फिर कढ़नी है वैल्यू वाई दी। हुण आहा ते आहा आमो सामने ने, यह आपस च बराबर होणगे ओपोजिट साइड्स, 3y+4=16, 3y=, उधर जाके माइनस हो जूगा 16-4, 3y=12, तो वाई आजू 12/3, इतने मल्टीप्लाई उधर डिवाइड, 4 × 3=12, वाई आ गया 4 इहदा आंसर। हाँ जी, हुण जिहड़े विकर्ण ने एक दूजे नूं समद्विभाजित करदे आ, डायगनल्स बाइसेक्ट करदे आ एक दूजे नूं, इहदा मतलब ए ही है जिहड़ा उह बराबर होएगा सी आर दे। जेकर इह पूरे पूरे बराबर आ तां इहनां दे अध वी बराबर होणगे, हाफ ए ई बराबर होएगा हाफ सी आर दे। ए ई दा अध हो जाएगा 7, ते दूजे पासे सी आर दा अध हो जाएगा अपने कोल आह 5z-3। सो इहदे विचों आपां हुण जैड लभणा, आ 3 इधर ले आओ, 7+3=5z, 10=5z, 10/5=z, 5 दे टेबल च 10 2 ते, तां जैड आ गया 2 अपने कोल। सो यह आ गया आंसर नंबर 3। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। आ जाने फिफ्थ क्वेश्चन ते, इस डायग्राम दे विच ए रोमबस दिता होया यानी कि सम चतुर्भुज ਤਾਂ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਲੱਭਣਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਵਿਕਰਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮ ਵਿਭਾਜਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਾਇਗਨਲਸ ਬਾਈਸੈਕਟ ਈਚ ਅਦਰਸ, ਉਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਵਿਕਰਣ एक दूजे नूं समद्विभाजित करदे हन, वी नो डायगनल्स ऑफ अ रोमबस बाइसेक्ट ईच अदर, विच इंप्लाइज, इस लई की आ जूगा 2x-1, आ हिस्सा बराबर आजू आ हिस्से दे इक्वल टू 9, ते नाले आहा जेड़ा ओ इहदे बराबर आजूगा 3y+2 आजूगा 11 दे इक्वल, आ 1 जाके उधर ऐड हो जूगा, 2x=9+1, 2x=10, x=10/2 कटिंग करके 5, तो x आ गया 5, तो इतों आ 2 जाके सबट्रैक्ट होएगा, 3y=11-2,
थ्री वाई इक्वल टू नाइन, ए उधर जाके डिवाइड करेगा, वाई नाइन ओवर थ्री कटिंग करके थ्री, तो वाई आ गया थ्री, ये आ जाएगा इसका आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स से। ए बी सी डी अगेन एक रैक्टेंगल यानी कि आयत है, तो बी ए सी एंगल बी ए सी, दिस एंगल इज 36 डिग्री, ए सी बी लभना है, ए सी बी दिस एंगल इज रिक्वायर्ड, ये लभना जी। हम आपको पता कि रैक्टेंगल का हरेक एंगल 90 डिग्री हों, एंगल होगा 90 डिग्री का, सो उ ले लें इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी त्रिभुज ए बी सी विच एंगल बी प्लस 36 डिग्री प्लस जड़ा लभना ए सी बी, एंगल ए सी बी तिना का जोड़ 180 डिग्री। रीजन त्रिभुज दे तीन कोणा दा जोड़, इंग्लिश च एंगल सम प्रॉपर्टी, तो बी 90 डिग्री है पर दो दी जगह ते 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी बराबर 180 डिग्री। अगला स्टेप मैं इत्थे करन लगा, इस तो बाद 90 ते 36 126 प्लस एंगल ए सी बी बराबर 180 डिग्री, ए उधर जाकर सबट्रैक्ट हो जाएगा, एंगल ए सी बी बराबर 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, एंगल ए सी बी 180 चो 20 कड़े 60, 60 चो 6 कड़े 54 डिग्री, यह आ जाएगा इहदा आंसर अपने कोल। अगे सैवंथ क्वेश्चन ते आने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, लागवें कोण किस दे समांतर चतुर्भुज दे, लागवें कोणां दा जोड़ किन्ना हुंदा समांतर चतुर्भुज दे, एदा ते एदा 180 डिग्री हुंदा, हाँ जी ये सप्लीमेंट्री हुंदे आ। दूजा, इफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल दैन विच पोलीगन इट विल बिकम, समांतर चतुर्भुज दे कहिंदा लागवें कोण बराबर हो जाण तां इह किहड़ा पोलीगन बन जाएगा। देखो जे आ एंगल ते आ एंगल दोनों ना बराबर कर दिए, बराबर करांगे तां इह एवें दा हो जूगा, आ बराबर हो जाएंगे 90 90, तो यह रैक्टेंगल बन जू, आयत बन जूगी यह। अगे इफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोमबस आर इक्वल, रोमबस यानी कि सम चतुर्भुज लागवें, सम चतुर्भुज लागवें कोण बराबर कर दिए तो की बन जू, पहले मैं यदि डायग्राम बना के दिखाना थोनों, आ हैगा अपने कोल सम चतुर्भुज, जदों इहदे लागवें कोण बराबर करांगे उहनूं बराबर करन दे लई इहनूं इधर नूं खिंचणा पऊगा, तां इह इस तरह हो जू, साइड्स इहदियां पहलां ही बराबर हुंदियां तुहानूं पता, जदों इहदे बराबर करन दे लई कोण खिंचिआ इहनूं इस पासे नूं तां इह इस तरह दा दिखण लग जू, कोण बराबर हो जाणगे, बराबर हो के 90 दे हो जाणगे, तां की बण गया इह वर्ग बण गया, स्क्वेयर बण जाएगा इह, सो स्क्वेयर यानी कि वर्ग, ते रैक्टेंगल यानी इहदा आंसर सी आयत पिछले दा। अगे आ गए 3y डिग्री ते 120 डिग्री आर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोमबस, रोमबस यानी कि सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज के लागवें कोण ने यह, तो वाई लभना, आपको पता लागवें कोणों का जोड़ 180 हुंदा, सो 3y प्लस 120 डिग्री 180 डिग्री बराबर करांगे, इधर जाके माइनस होएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यह आ जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री ओवर 3 20 डिग्री, सो सी ऑप्शन।
सो स्टूडेंट्स ये नाल ही एक्सरसाइज 3.2 ते चैप्टर 3 भी होंगे कंप्लीट 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद है तुहानू ये सारे क्वेश्चन चंगी तरह समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तुसी मैं पूछ सकते हो। वीडियो नू लाइक करना, कमेंट करना ते अपने होर फ्रेंड्स ते स्टूडेंट्स के नाल शेयर जरूर कर देना। तो हाँ, चैनल को सबसक्राइब करके बैल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर टैप कर दियो ता कि जदों भी असी इस तरह की कोई भी नवी वीडियो अपलोड करिए उसका नोटिफिकेशन थोड़े तक जल्द तो जल्द पहुँच सके ते थोड़ी वह वीडियो देखने तो मिस ना हो। सो मिलते हैं नैक्सट वीडियो के।